इलास्टिक अप्रोच, फोर्थ ऑफ लिखेगा जनरल इलास्टिक अप्रोच, जो लास्ट अप्रोच हमारा है वो हम बात करेंगे जनरल इलास्टिक अप्रोच। जनरल इलास्टिक अप्रोच स्वेलिंग देख लेंगे, जनरल इलास्टिक अप्रोच की हम यहां पे बात कर रहे हैं। अब ये अप्रोच क्या कहता है, ये अप्रोच मैं बता दे रहा हूं, पहले लिख लेंगे, यह प्रोफेशनल पर्सन्स के लिए बना है, इट इज मेड फॉर प्रोफेशनल पर्सन्स जो एक निश्चित समय में फ्री नहीं होते, हु आर नॉट फ्री इन ए पर्टिकुलर टाइम, जो एक निश्चित समय में फ्री नहीं होते हैं, हु आर नॉट फ्री इन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है कि जर्नलिस्टिक अप्रोच आपका अब आने वाला कल है, जॉब बिजनेस करोगे, तो जब आप जॉब बिजनेस करते हैं, जब आप जॉब बिजनेस करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पॉइंट ऐसा लाइफ पाथ है जिसमें आप ये नहीं जानते कि कितना आपके पास समय, कब आपको समय फ्री मिलेगा, तो आप भी जानते हैं। बंद करके चालू करने को, बंद करके चालू करने, अब चालू, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नहीं नहीं वो ठीक है, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो। तो अब जर्नलिस्टिक अप्रोच की हम बात करें, जब बात जर्नलिस्टिक अप्रोच की करते हैं तो ये अप्रोच आपको कब अप्लाई करना है, जब आप जॉब या बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास कोई फ्री टाइम निश्चित होगा क्या, क्या नौकरी करोगे तो फ्री टाइम होगा निश्चित, नहीं होगा आपका फ्री टाइम निश्चित, तब आप अपने लिए खाली समय कैसे निकालेंगे बताइए। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, क्या आपको पता है कि वो 8-10 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 घंटे ऐसा भी वो निकाल के रखते हैं जिस आवर्स में वो अपने लिए काम करते हैं उसमें उनके परिवार वालों तक को वो समय नहीं देते। और ऐसे लोग ही ध्यान रखना आगे चल के सक्सेसफुल रहते हैं। जैसे आप कोई एक्टर को ले लो तो एक्टर 1-2 घंटे केवल एक्सरसाइज में बिताता है और वो 1-2 घंटे कुछ निश्चित नहीं, क्योंकि उनका दिन भर क्या होता है, शूटिंग चलता रहता है, तो 1-2 घंटे कभी भी हो सकते हैं। कई बार रात को 4 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6 बजे सुबह उठ के दौड़ लगा रहे हैं, कई बार टाइम ब्रेक मिला 12 बजे तो 12 बजे जाकर वह जिम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जर्नलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि पूरे दिन में कुछ समय आप ऐसा निकालें जिसमें आप फोकस करके अपने कामों पे ध्यान दे सके। आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने घर में देखें तो आपके पिता जो एक्टिव जो पिता है या एक्टिव माता है जो है, देखना कुछ समय घर से दूर अपना काम करती है। जैसे पापा लोग घर में बैठ के अपना काम करते हैं, मना कर देते हैं मेरे रूम में मत आना, वो 1 घंटे बैठ के क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अलग कुछ काम करते रहते हैं जिसमें डिस्टर्बेंस दे जाते, तो रूम में बैठ के काम करते हैं ऑफिस से आने के बाद, या सुबह कुछ ना कुछ काम करके निकल जाते हैं। ऐसे लोग को हम कहते हैं जर्नलिस्टिक अप्रोच को अप्लाई करना। तो ये जो 4 मैंने जो आपको मेथड्स बताए डीप वर्क के, इन 4 मेथड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इन 4 मेथड्स में आपको कोई एक मेथड आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप क्या करना चाहते हैं, फोकस लेवल बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि ध्यान रखिएगा फोकस लेवल अगर आपका बड़ा होता तो अभी आपको एक अच्छे पोस्ट में होना चाहिए था। ये जो आप कहते हो ना कि सर हालात बिगड़ गए, ऐसा हो गया, कोई कुछ नहीं था, आपका फोकस था ही नहीं कभी, नौकरी चाहिए पर कोई फोकस ही नहीं है, बिजनेस करना पर कोई फोकस नहीं। अगर फोकस होता तो क्या आप इस समय अनसक्सेसफुल कहलाते, जिसका फोकस था वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने लगा, जिसका फोकस था वो तो गायक कलाकार भी बन गया, क्रिकेटर बन गया, सिंगर बन गया, वो फोकस था निकल गए, आपके पास फोकस नहीं है तो आप यहाँ पड़े हो। तो आज के सेशन में मैंने आपको 3 एलिमेंट मेथड बताए, एक रिवाइव के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को बोलने